हेलो एवरीवन हमारा आज का टॉपिक होगा बैंक ऑडिट ये चैप्टर एग्जाम में फोर टू सिक्स मार्क्स की वेटेज रखता है और इस चैप्टर के अंदर जो हमारे टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं उसमें एक है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दूसरा है कंडक्टिंग बैंक ऑडिट थर्ड वन इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क उसके बाद डिफरेंट आइटम्स की वेरीफिकेशन वेरिफिकेशन को भी मैंने तीन कैटेगरीज में प्राइमरीली डिवाइड किया है फर्स्ट वन इन्वेस्टमेंट सेकेंड वन एडवांसेस एंड थर्ड वन अदर आइटम्स और लास्ट को करेंगे। तो इस की जो है, हम इस चैप्टर को तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट वन में इसका बेसिक्स आ जाएगा सारा जिसमें हम लीगल फ्रेमवर्क हाउ टू कंडक्ट अ बैंक ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल एग्जामिनेशन सेकेंड एस्पेक्ट इसका वेरिफिकेशन का रहेगा वेरिफिकेशन में इन्वेस्टमेंट्स की वेरिफिकेशन एडवांसिस की वेरिफिकेशन एंड अदर आइटम्स की वेरिफिकेशन और तीसरा पार्ट जो होगा वो होगा मिसलेनियस का जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो की लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट एंड कॉन्क्रेंट ऑडिट सिस्टम तो ये तीन पार्ट में इस चैप्टर की डिवीजन है स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट के साथ दैट इज लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसका पहला टॉपिक कौन से एक्ट हैं जो बैंक ऑडिट करते वक्त ऑडिटर को जिनकी नॉलेज होना जरूरी है ये आपको याद करने हैं सारे एक्ट फर्स्ट वन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आर बी आई एक्ट बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट सेवनटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडियरी बैंक एक्ट रीजनल रूरल बैंक कंपनी एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पी एम एल ए सरफाइजी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट टू थाउजेंड सेवन सो ये एक्ट के नाम याद रखने हैं फोर मार्क्स का क्वेश्चन वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट कभी कोई सिंपल क्वेश्चन देना हुआ जनरल क्वेश्चन देना हुआ तो एग्जामिनर एक शॉर्ट नोट दे सकता है वट आर द वेरियस प्रिंसिपल दैट गवर्न द बैंक ऑडिट तो फोर मार्क्स के लिए आपको इसको याद करना है नौ फिर इसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है वट आर द वेरियस अथॉरिटीज हु कैन अपॉइंट द ऑडिटर इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है एक बैंकिंग कंपनी इसके ऑडिटर को शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेंगे नेशनलाइज बैंक के ऑडिटर को बैंक खुद अपॉइंट करेगा थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों ही केसेस में आरबीआई की अप्रूवल लेना जरूरी है बिफोर द अपॉइंटमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिटर को कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट करेंगे इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑडिटर्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक दे आर अपॉइंटेड बाई द बैंक विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट तो इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि बैंकिंग कंपनी के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा नेशनलाइज बैंक्स के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा रीजनल रूरल बैंक के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा ना इसके बाद फिर एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है दैट इज स्कोप ऑफ असाइनमेंट ऑफ स्टेट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर बैंक के अंदर दो तरह के ऑडिटर होते हैं एक सेंट्रल ऑडिटर दूसरा ब्रांच ऑडिटर जो सेंट्रल ऑडिटर्स है जिनको हम स्टेट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर भी कहते हैं क्या उनकी रिपोर्टिंग सिर्फ फिनेंशियल आस्पेक्ट्स के ऊपर भी होती है फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स पर होती है या इसके अलावा उनकी ड्यूटीज के अंदर दूसरे एलिमेंट्स भी कवर अप होते हैं तो इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ स्टेट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर कि वो अपनी रिपोर्टिंग किन किन एलिमेंट्स के ऊपर करता है तो ये सारे पॉइंट्स यहां पर गिवन है फर्स्ट वन सेंट्रल स्टेटरी ऑडिटर वो रिपोर्ट करता है ऑन एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन केस ऑफ बैंक्स विच आर रजिस्टर्ड एज कंपनी and it is a requirement under the provisions of section 143 subsection 3 clause i of the companies act 2013.

स्पेक्ट है कलेक्शन का ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट जिसमें स्टैंप ड्यूटीज आ गई या पेंशन सिस्टम की पेमेंट्स है वो सब चीजें चीजेंटेड इन सर्टिफिकेट ऑन रिकनसिलेशन ऑफ सिक्योरिटीज जो बैंक्स ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है इधर ऑन देयर ओन बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ सम क्लाइंट्स दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज तो उनका रिकनसिलियेशन सर्टिफिकेट इसकी डिटेल हम आगे जाकर वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी कवर अप करेंगे सर्टिफिकेट ऑन कंप्लाइंस एंड अदर गाइडलाइंस रिलेटिंग टू द ट्रांसक्शन एंड दैट इज बीइंग इशूड बाय द बैंक मींसर टू इन्वेस्टमेंट इन रिलेशन टू एडवांसिसम्स इशू करता है जिसके अंदर हाउ दर बी क्लासिफाइड उनके इनकम रिकोगश कैसे होंगी उनके ऊपर कितना प्रोविजन बनाना है तो क्या बैंक ने उन सारी प्रोडेंशियल नॉर्म्स को कंप्लाई किया है या नहीं किया इसके भी एक को देना होगा रिपोर्ट वेदर द इनकम रिकोगशन असेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग दे आर बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस इशूड बाई द आर वेदर एनी सीरियस Was noticed in the working of the banks, which requires immediate attention. Certificate in respect of custody of unused bank receipt forms like demand drafts, checkbooks, etc. Authentication of the capital adequacy ratios and other ratios like statutory liquidity ratios, cash reserve ratios. Certificate of corporate governance in case banks' securities are being listed on the stock exchange. सर्टिफिकेशन ऑन क्लेम्स ऑफ वेरियस इंटरेस्ट सब्सिडीज एंड सबवेंशन स्कीम्स सो बिसाइड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्टिंग जो स्टेटूटरी सेंट्रल ऑडिटर है उनकी रिपोर्टिंग के अंदर ये सारे एलिमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं तो इसके ऊपर भी फोर टू सिक्स मार्क्स का कोई क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है नाउ इसके बाद नेशनलाइज्ड बैंक्स के ऑडिटर जो अपनी रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मैटर्स के ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं उस रिपोर्टिंग के एलिमेंट्स क्या होंगे उसके ऊपर भी एक फोर मार्क्स का शॉर्ट नोट पुट किया जा सकता है कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट इन केस ऑफ नेशनलाइज बैंक ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पर ऑडिटर शुड स्टेट द फॉलोइंग नंबर वन वेदर इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर बैलेंस शीट

they are found adequate for the purpose of the audit whether the profit and loss account show a true balance of profit and loss covered by the audit report for the for that period any other matter which the auditor considered necessary to bring into the knowledge of the central government so these are the various contents of the audit report which are to be incorporated by the auditor In case of nationalized bank, when the the audit report is being submitted to the central government. So, इन केस ऑफ नेशनलाइज बैंक ऑडिट रिपोर्ट इज किए हैं उसमें तीन बहुत सिंपल है, जिनके ऊपर एक फोर मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल एनेक्टमेंट्स दैट गवर्न द बैंक ऑडिट सेकंड वन व्हाट इज द स्कोप ऑफ रिपोर्ट इज बीटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये जो तीन टॉपिक है एक प्रिंसिपल एनेक्टमेंट का दूसरा स्कोप ऑफ असाइनमेंट ऑफ स्टेटरी सेंट्रल ऑडिटर का एंड थर्ड वन कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का इन तीन के ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जहां तक ये टॉपिक है अथॉरिटी अपॉइंटिंग ऑडिटर इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है तो ये हमारा एक पहला पार्ट था अबाउट द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के इस चैप्टर में अब हमारा जो दूसरा पार्ट है दैट इज कंडक्टिंग बैंक ऑडिट बैंक ऑडिट को कंडक्ट करते वक्त ऑडिटर कौन कौन सी स्टेजेस का ध्यान रखेगा इन जनरल जब एक ऑडिटर ऑडिट audit करता है तो उसके अंदर एक एंगेजमेंट के बाद प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज आ जाती हैं प्लानिंग आती है एग्जीक्यूशन आता है एंड देन रिपोर्टिंग आता है जो बेसिक चीज़ें हैं जो हम स्टैंडर्ड्स के अंदर भी कवर करते हैं करते हैं लाइक ऑप्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी इट्स एनवायरमेंट इंटरनल कंट्रोल एंड देन डिज़ाइन एंड ऑडिट प्रोग्राम इन विच ऑडिट स्ट्रेटजी इज टू बी एस्टैब्लिश एंड ऑडिट प्लान इज टू बी डेवलप्ड एंड दे आर आफ्टर इन अकॉर्डेंस विद दैट ऑडिट प्लान द प्रोसीजर्स आर टू बी परफॉर्म फॉर द परपज ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंसिस एंड द एविडेंसिस सो कलेक्टेड नीड टू बी एवेलुएटेड एंड बेस्ड अपॉन दैट इवेलुएशन conclusion need to be drawn and based upon that conclusion audit report is to be issued to ye hamara general procedure hota hai ye procedure bank audit ke case mein bhi apply hoga now ab uh, is bank audit se related कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर exam में question frame किए जा सकते हैं उसमें तीन main topic हमारे सामने नजर आ जाते हैं number एक कि वट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ अ बैंक एंड सेकेंड वन दैट इज स्पेशल द बैंक इज़ वर्किंग इन एन आई टी एनवायरमेंट और सी आई एस एनवायरमेंट एंड थर्ड वन इज द वेरियस स्पेशल कंसीडरेशंस जो ऑडिटर को ध्यान रखने चाहिए ऑडिट करते वक्त या क्या, क्या कारण है क्या रीजन हैं जिसके कारण ऑडिटर नीड्स टू पे स्पेशल फोकस वाइल कैरिंग आउट द ऑडिट ऑफ अ बैंक स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ एंड दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है फोर टू फाइव मार्क्स का नंबर वन इन्वॉल्वमेंट ऑफ टी सी डब्ल्यू जी जो बैंक का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है दैट मीनस द सिस्टम थ्रू विच द बैंक मैनेजेज इट्स रिस्क तो इसमें सबसे पहला पार्ट आ जाएगा कि जो बैंक की रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं दे नीड टू बी अप्रूव्ड बाय द टीसीडब्ल्यूजी। और टीसीडब्ल्यूजी इन पॉलिसीज को अप्रूव करते वक्त ध्यान रखे कंसीडर करे बैंक्स के ऑब्जेक्टिव्स को स्ट्रेटजीज को कैपिटल स्ट्रेंथ को मैनेजमेंट एक्सपर्टीज को वेरियस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क नंबर दो इडेंटिफिकेशन मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क जो रिस्क बैंक की फंक्शनिंग को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकते हैं दैट रिस्क नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड द नीड्स टू बी मेजर्ड एंड नीड्स टू बी मॉनिटर, यही चीजें जब हम एस ए थ्री वन फाइव पढ़ते हैं तो उसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट आता है एंड दैट इज एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस जहां पर एंटिटी खुद अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करती है एंड असेस करती है तो जब हम एंटिटी के मीन्स एक बैंक के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हाउ टू आइडेंटिफाई द रिस्क एंड हाउ टू मेजर दैट रिस्क एंड आफ्टर मेजरिंग दैट रिस्क नीड्स टू बी प्रोपरली मॉनिटर तो इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क दूसरा एलिमेंट आ जाता है एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का रिस्क दैट में सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ बैंक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी आइडेंटिफाइड मेजर्ड एंड मॉनिटर्ड थर्ड वन कंट्रोल एक्टिविटीज कंट्रोल एक्टिविटी जिसके अंदर सेग्रीगेशन ऑफ फंक्शंस हैं ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एम्प्लॉयज का जॉब रोटेशन है इंटरनल ऑडिट सिस्टम है ये सारी कंट्रोल एक्टिविटीज ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का सिग्निफिकेंट पार्ट बनता है बैंक्स मस्ट हैव कंट्रोल्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांसैक्शन सेटिंग द लिमिट्स ओवर द पावर्स ऑफ द बैंक मैनेजर्स, रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल ऑफ एक्सेप्शन फोर्थ वन मॉनिटरिंग एक्टिविटीज एन इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड इन बैंक जिसका काम क्या हो रिस्क को मॉनिटर करना और उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको गवर्न करना कंट्रोल करना रिस्क मैनेजमेंट मॉडल्स मेथोडोलॉजीज एजम्स यूज्ड टू मेजर एंड मैनेज द रिस्क नीड्स टू बी एवालुएटेड बाय एन इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आर एम यू भी बोल देते हैं एंड फिफ्थ वन इज द रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम नीड्स टू बी देयर बैंक के अंदर एक रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम का होना जरूरी है एक सिस्टम जो आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे टाइमली मैनर में प्रोवाइड करे प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर प्रोवाइड करे सो दैट करेक्टिव एक्शंस कैन बी टेकन टाइमली टाइमली इंफॉर्मेशन इन अ प्रॉपर मैनर इज टू बी प्रोवाइडेड टू द अप्रोप्रिएट पर्सन विद इन द बैंकिंग सिस्टम रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम मस्ट एग्जिस्ट सो एज टू प्रोवाइड द एडिक्वेट फिनेंशियल ऑपरेशनल एंड कंप्लायंस इंफॉर्मेशन टाइमली एंड टू मैनेजमेंट आर दस एलिमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम फाइव मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पुट हो सकता है और आई थिंक सो की एग्जाम में आया हुआ भी है जिसके अंदर आप पांच मेन पॉइंट को कवर अप करेंगे फर्स्ट वन BCWG की इन्वॉल्वमेंट को सेकंड वन आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क थर्ड वन कंट्रोल एक्टिविटीज फोर्थ वन मॉनिटरिंग एक्टिविटीज बाय द इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट एंड फिफ्थ वन इज द रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम नाउ अब इसमें दो छोटे-छोटे से और पॉइंट है व्हाट इज द नीड फॉर स्पेशल फोकस इन द बैंक ऑडिट देयर आर वेरियस रीजन कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर इन्वॉल्वमेंट मनी की है. नंबर ऑफ शन बहुत ज्यादा है यूनिट्स ब्रांचेस बहुत ज्यादा होती है स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन ये क्वेश्चन भी फोर मार्क्स का एग्जाम में आया हुआ है स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन अराइज इन द ऑडिट ऑफ बैंक बाय बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर नेचर ऑफ रिस्क दैट इज एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल ट्रांसेक्शन बींग अंडरटेकन बाय द बैंक वोलुमिनस स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन बहुत हाई वॉल्यूम है बिजनेस का एक्सटेंसिव डिपेंडेंस ऑन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ट्रांसेक्शन वेरियस स्टेट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड बैंकिंग प्रैक्टिस दैट में नॉट बी मैच्ड बाय द कॉन्करेंट डेवलपमेंट ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑडिट बैंक्स के प्रोडक्ट कंसिस्टेंट बेसिस पर नए प्रोडक्ट आते रहते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डेवलप होते रहते हैं बट ऑन दैट बेसिस क्या अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिस भी डेवलप होती है उन चीजों को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए एग्जामिन करने के लिए ऐसा नहीं होता एंड दैट इज द रीजन स्पेशल फोकस नीड्स टू बी गिवन इन केस ऑफ द बैंक ऑडिट फोर मार्क्स का ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है दे आफ्टर वर द स्पेशल कंसिडरेशन इफ द बैंकिंग ऑपरेट इन एन सी आई एस एनवायरमेंट दैट मीन एन आई टी एनवायरमेंट एंड जनरली आज की डेट में जितने भी बैंक हैं वो सारे के सारे आई टी एनवायरमेंट के अंदर ही काम कर रहे हैं फर्स्ट वन एनश्योर इसके अंदर मेन जो पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे ना जो आप एस एन फाइव के अंदर पढ़ा करते थे इंटरनल कंट्रोल इन केस ऑफ एन आई टी एनवायरमेंट वही सारे पॉइंट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे एनश्योर दैट डाट डेट नहीं डाटा डाटा अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग इज ऑथोराइज एक्यूरेट एंड कंप्लीट एनश्योर दैट अनऑथोराइज अमेंडमेंट टू दी प्रोग्राम्स आर बींग प्रिवेंटेड। एन्श्योर दैट जो राइट ऑफ एक्सेस है टू द डाटा दैट इज बींग गिवन टू द अप्रोप्रिएट परसन एनश्योर बैंक चार्जेस दैट आर कैलकुलेटेड मैनुअली जहां पर फंक्शन बैंकिंग का कंप्यूटराइज फंक्शन काम नहीं कर रहा है उनको आपने मैनुअली कंप्यूट किया प्रॉपरली अकाउंट किया अथोराइज किया सिर्फ फॉर एग्जाम्पल कोई नया चार्ज लगाया गया बाय द बैंक बट एट द सेम टाइम बैंकिंग सॉफ्टवेयर के अंदर उसका कोई पैरामीटर नहीं था इन दैट केस ट चार्ज नीड्स टू बी कैलकुलेटेड मैनुअली तो जब आपने कैलकुलेशन मैनुअली की है तो आपको चेक करना पड़ेगा एज ए ऑडिटर कि क्या वो कैलकुलेशन अप्रोप्रिएट है उनकी अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर की गई है या नहीं की गई है वेरीफाई वेदर एक्सेप्शनल ट्रांसैक्शन रिपोर्ट एक्सेप्शनल ट्रांसेक्शन मीन जो जनरल पॉलिसीज के बियोन बाहर जाकर के कोई ट्रांसेक्शन की है किसी ब्रांच ने तो क्या उन रिपोर्ट्स को जनरेट किया गया है और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जिसकी पावर के अंदर है उन ट्रांसैक्शन को अप्रूव करना उनसे रिक्वायर्ड रिक्विजिट अप्रूवल्स ली गई है या नहीं ली गई वेरीफाई वेदर एक्सेप्शनल ट्रांसेक्शन रिपोर्ट आर बींग ऑथोराइज एंड वेरीफाइड ऑन अ डेली बेसिस बाय द कंसर्न ऑफिशियल्स जनरल लेजर अकाउंट कोर्ट्स ऑफिस, दे आर इन एग्जिस्टेंस आईटी एनवायरनमेंट है आईटी एनवायरनमेंट्स के अंदर कोड बेसिस के ऊपर काम होता है कि कोई भी ट्रांसक्शन है वो किस कोड के अंदर रजिस्टर्ड की जाएगी उसकी क्लासिफिकेशन किस कोड के अंदर होना है तो जो कोर्ट्स हेड ऑफिस के बनाए गए हैं वही कोर्ट सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और कोर्ट्स के अंदर प्रॉपर तरीके से एंट्रीज की जा रही हैं Ensure दैट जनरल लेजर के जो बैलेंसेस हैं उनको सब्सिडरी बुक्स के बैलेंसेस से रेगुलर बेसिस पर डेली बेसिस के ऊपर टेली कराया जा रहा है एंड डिफरेंसेस यदि कोई आता है तो उन डिफरेंसेस की इमीडिएट बेसिस पर इंक्वायरी करके उनको रिजॉल्व किया गया एनश्योर दैट बैकअप मीडिया ट्रांसेक्शन का बैकअप लिया गया है इट इज स्टोर्ड इन फायर प्रूफ कैबिनेट दैट इज सिक्योर्ड विद लोक एंड की एंड ऑफ साइड बैकअप आर ऑल्सो प्रिजर्व फॉर द एमरजेंसीज दैट एंटीवासर ऑफ लेटेस्ट वर्जन इज इंस्टॉल्ड इन दिस्टम दैट एक्सेस टू कंप्यूटर रूम इज ऑथोराइज ओनली इज अलाउड ओनली टू द रेस्ट्रिक्टीज आर दू पॉइंट विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड वाइल कैरिंग आउट द ऑडिट इन एंड सी आई एस एनवायरमेंट तो ये हमारे तीन टॉपिक थे इन रिलेशन टू कंडक्टिंग बैंक ऑडिट फर्स्ट वन दैट इज रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम सेकेंड वन आर द रीजन ड्यू टू विच स्पेशल फोकस नीड्स टू बी गिवन इन केस ऑफ बैंक ऑडिट एंड थर्ड वन स्पेशल कंसिडरेशन इन केस ऑफ ऑडिट इन सी आई एस एनवायरमेंट नाउ अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आस्पेक्ट आ जाता है स्ट्रेस टेस्टिंग एंड बेसल थ्री फ्रेमवर्क बेसल थ्री फ्रेमवर्क इट इज ए ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड किस रेफरेंस में ऑन कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ बैंक्स, वैसे कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स आप सबने इंटर में

आरबीआई की रिक्वायरमेंट है कि एक बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मिनिमम नाइन परसेंट के ऊपर होनी चाहिए तो वही चीजें यहां पर बेसल थ्री की अंदर बताई गई है बेसल थ्री एक जनरल फ्रेमवर्क है जो ऑल ओवर वर्ल्ड अप्लाई किया जाता है इट इज ए ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड ऑन कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ बैंक स्ट्रेस टेस्टिंग स्ट्रेस टेस्टिंग मीन्स वॉट कि बैंक कितना स्ट्रेस फेस कर सकता है मींस कि लाइक like बैंक के पास क्या लिक्विडिटी अवेलेबल है कि कल को यदि बैंक में जिन्होंने डिपॉजिट्स करा रखे हैं वो अपने पैसे की वापसी मांगते हैं तो क्या बैंक के पास उस स्ट्रेस को लेने के लिए जो रिक्वायर्ड रिक्विजिट रिसोर्सिस हैं वो अवेलेबल है या नहीं है एज वेल एज द मार्केट लिक्विडिटी रिस्क बेसल थ्री इट स्ट्रेंथेंस द रेगुलेशन सुपरविजन द रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर ऑब्जेक्टिव क्या है टू इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सेक्टर टू एब्सॉर्ब दॉक्स दैट मे अराइज फ्रॉम फिनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस इंप्रूव द रिस्क मैनेजमेंट एंड द गवर्नेस प्रैक्टिस स्ट्रेंथनिंग बैंक ट्रांसपेरेंसी एंड द डिस्कलोजर स्टैंडर्ड उसी से रिलेटेड दो मार्क्स का शॉर्ट नोट आ सकता है ट वॉट इज स्ट्रेस टेस्टिंग स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है ऑल कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक दे आर रिक्वायर्ड टू पुट इन प्लेस अ बोर्ड अप्रूव्ड स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क टू सूट देयर इंडिजुअल रिक्वायरमेंट हर एक बैंक की है्वायरमेंट तो है है को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क बनाए जो इंटीग्रेट किया जाए हर एक बैंक के अपने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के साथ स्ट्रेस टू अंडरस्टैंड वेदर अ बैंक हैज एनफ कैपिटल टू सरवाइव एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन एंड टू मेंटेन एनअ बफर टू स्टे अ फ्लॉट अंडर द एक्सट्रीम सीनेरियोज सो यह स्ट्रेस टेस्टिंग का आस्पेक्ट है कि जहां पर हर एक बैंक को अपने बोर्ड से एक अप्रूव स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क डिजाइन करना चाहिए तो फोर मार्क्स का इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बेसिल दूसरा पार्ट आ गया कंडक्टिंग द बैंक ऑडिट और इसके अंदर आई डोंट थिंक सो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला कोई क्वेश्चन बनेगा बनाने को तो बना लो कि एक दो टॉपिक लिख दिए नीचे ऑल ऑफ दी इस तरीके ऑप्शंस डाल दरीकेगी या, या नन ऑफ अबव बट जो इस पेज के ऊपर हमारे टॉपिक्स हैं लाइक रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड फोकस पॉइंट या स्पेशल पॉइंट्स दैट नीड्स टू बी गिवन वाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ अ बैंक स्पेशल कंसिडरेशन ऑफ ऑडिट इन केस ऑफ ऑडिट इन सी आई एस एनवायरमेंट लास्ट वन स्ट्रेस टेस्टिंग एंड बेसल थ्री फ्रेमवर्क। सो एक काम करिए आप इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं और अब आप एक बार अच्छी तरह से नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप अच्छी तरह से एक बार इनको नोट्स में से रिवाइज करिए क्योंकि ये टॉपिक है जो बैंक ऑडिट एनबीएफसी पीएसयू जी आई है इनके मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस लगभग हाफ एन आर के प्रोवाइड करूंगा और हर एक वीडियो के बाद आपकी जो एक रिक्वायरमेंट है आप इन नोट्स को एक बार अच्छी तरह से रिवाइज ठीक है सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर जब रिवीजन हो जाए अच्छी तरह से जो टॉपिक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं वो लर्न हो जाए और कोशिश करिएगा एक आंसर को लिख कर देखने की किसी भी एक टॉपिक को इन जो टॉपिक हमने पढ़े इनमें से किसी भी एक टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर लिख करके देखिएगा जरूर ठीक है जब ये काम कर लो देयर आफ्टर फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा राइट थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय